इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओटी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 21 समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण के क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 35 से। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आपके लास्ट के 9 क्वेश्चन बचे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, 53 छात्रों की कक्षा में 26 फुटबॉल खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं, 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते, 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं, 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं, छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं। यह आपको बताना है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल हॉकी खेलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो टोटल छात्र है यानी कि जो कुल छात्रों की संख्या आपको दे रखा है 53, लेकिन बोला है कि 10 छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल के आपके 53 है, इसमें से 10 छात्र ऐसे हैं जो कि कोई खेल नहीं खेलते हैं, यानी कि जो खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। 53 में से आप 10 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 43। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो टोटल छात्रों की संख्या है वह आपका 53 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, तो मैंने 53 में से 10 को घटा दिया तो हमारा बचा 43, यानी 43 छात्र ही जो खेल है आपका हॉकी, टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है कि 26 जो है फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है यह फुटबॉल का गोला। इसमें से 26 लोग ऐसे हैं जो 26 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फिर बोला है 24 क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं इधर एक गोला बना लेता हूँ क्रिकेट का, यह आपका क्रिकेट का है, 24 लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 हॉकी खेलते हैं, यह मैंने तीसरा गोला बना लिया हॉकी का, हॉकी को मैंने यस से प्रदर्शित किया है। जो हॉकी वाले हैं वह 20 छात्र है, यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते, तो मैंने ऑलरेडी 10 को घटा दिया है। फिर आगे बोला है 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं, 8 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों ही खेल खेलते हैं, तो आपका जो 8 छात्र हैं वह इस वाले खाने के अंदर आएंगे, क्योंकि जो यह वाला आपका खाना है यह तीनों सर्किल का बीच पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 8 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों खेल खेलते हैं। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी का बीच क्या है, ये वाला, यानी कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो फुटबॉल और हॉकी का बीच वाला पॉइंट ये है, तो 2 स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं, 5 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में। ये आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल हॉकी खेलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, केवल और केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या आपको निकालना है। हॉकी के सर्किल में जो टोटल स्टूडेंट हैं, हॉकी के सर्किल में जो टोटल स्टूडेंट हैं, वो आपका टोटल के 20 है। अब ये देखिए, 4 स्टूडेंट आपका हॉकी वाले में आ रहे हैं और 2 और 8, यानी कि 4, 8 और 2, यह तीनों संख्याएं आपके हॉकी वाले खाने में आ रहे हैं, तो तीनों को घटा दीजिएगा। तो 20 में से आप घटा दीजिए, 8 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर आपको 2 घटाना है, तो 20 में से आपका 8 4 12 और 2 14, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6, यानी कि 6 स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल हॉकी खेलते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बिन आरेख के माध्यम से ही सॉल्व करना है। बिन आरेख के माध्यम से आप इसको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका क्वेश्चन में दिया था उस अनुसार मैंने इस बिन आरेख में फिल कर दिया। अब देखिए, पूछा गया था कि केवल और केवल हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो मैंने क्या किया, हॉकी वाले सर्किल में जितने भी नंबर आ रहे थे उसको जोड़ लिया। तो आपका 8, 4, 12 और 2, 14 नंबर आ रहे थे, यानी कि 14 छात्र आपका जो तीनों खेल खेलते हैं, कुछ है, 4 ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 2 ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने 8, 4, 12, 2, 14, टोटल का हमको 20 छात्र चाहिए हॉकी में, लेकिन है कितना, लेकिन आपके हैं केवल और केवल 14, यानी 6 स्टूडेंट आपके बच रहे हैं। तो 6 स्टूडेंट वही ऐसे होंगे जो केवल और केवल हॉकी खेल रहे होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 55% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 20% छात्र दोनों विषयों में, कितने प्रतिशत छात्र आपके उत्तीर्ण हुए यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए। अनुत्तीर्ण की बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला है कि 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि यन आप यश का जो मान है वो आपका 35% दे रखा है, क्योंकि 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी यन आप यश का मान 35% हो गया। फिर आपका आगे क्वेश्चन में बोला है कि 55% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो यन आप ई का जो मान है वो आपको दे रखा है 55%। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि 20% छात्र दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों के लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन का साइन आता है, यानी कि यन आप यच इंटरसेक्शन ई का जो मान है वो आपका 20% है, यानी कि जो वैल्यू दोनों सब्जेक्ट में कॉमन होती है उसको हम इंटरसेक्शन से रिलेट करते हैं, यानी कि जो वैल्यू दो संख्याओं के बीच कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन से रिलेट करते हैं। तो जो 20% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे थे, तो मैंने उसको प्रदर्शित कर दिया यन यच इंटरसेक्शन ई का मान आपको पता चल गया 20%। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट स्टूडेंट टोटल फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट टोटल अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आपको फार्मूला पता है कि यच यूनियन ई बराबर, इंग्लिश है तो ई लेंगे, तो यन यच यूनियन ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, यन ऑफ यच प्लस का यन ऑफ ई माइनस का यन ऑफ यच इंटरसेक्शन ई, यह फार्मूला आपको पता है। तो देखिएगा, हमको कुल निकालना है, यानी यन यच यूनियन ई का मान हमको निकालना है। यन आप यच का मान आपको पता है 35%, उसके बाद से यन आप ई का मान आपको पता है 55% और यन यच इंटरसेक्शन ई का मान आपको पता है 20%। अब यहां से आप यन यच यूनियन ई का मान आप निकाल सकते हैं, तो 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 में से 20% घटाएंगे तो 70% हो जाएगा। तो आपने निकाल लिया कि जो टोटल स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, जो टोटल छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वो आपका है 70%। तो हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आपको निकालना है कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको पास स्टूडेंट निकालना है कि कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं। तो 100% में से जब आप फेल वाला परसेंटेज घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो 100% में से आप 70% घटा दीजिए, तो 100% में से मैंने 70% घटा दिया तो 30%, यानी कि 30% स्टूडेंट ही उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आप एक मेथड से सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, तो कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, दिए गए
प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि मैं यक्ष को ढक लूं, यानी यक्ष को ना अभी कवर किया जाए, केवल आप वाई वाला आरेख और जेड वाला आरेख देखिए, तो वाई और जेड वाला आरेख देखेंगे तो यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह प्रदर्शित कर रहा है वाई यूनियन जेड को। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अभी आपको यक्ष वाले गोले को नहीं देखना है, केवल वाई और जेड को देखना है। तो वाई और जेड को आप देखेंगे तो बना रहे हैं आप वाई यूनियन जेड, यानी वाई और जेड दोनों आपस में अटैचमेंट है, यानी कि वाई यूनियन जेड का काम कर रहे हैं। यह आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों किया क्या गया है, वाई यूनियन जेड को यक्ष में से घटाया गया है, यानी कि यक्ष माइनस का वाई यूनियन जेड इस क्वेश्चन का जो छायांकित भाग का मान पूछा है होना चाहिए। छायांकित भाग का मान यक्स माइनस वाई यूनियन जेड होना चाहिए, लेकिन जो आपके बुक में आंसर दे रखा है वह आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए यक्स माइनस का वाई। ऑप्शन नंबर ए आपके बुक में दे रखा है यक्स माइनस वाई। आप दिमाग से सोचिए, क्या जो छायांकित भाग का मान है x माइनस वाई होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो z है इसका भी कनेक्शन x के साथ है, इसलिए किसी भी हाल में आपका जो आंसर होगा वो आपका x माइनस वाई नहीं हो सकता, क्योंकि x में z की भी एंट्री हो जा रही है। देखिएगा यहाँ पर z भी आ रहा है, तो z को भी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुक का आंसर है पूरी तरह से गलत है। मैंने जो आपको बताया कि x माइनस वाई यूनियन जेड होना चाहिए, लेकिन यह आपके चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन x माइनस यू वाई यूनियन जेड नहीं है। इस तरीके से यह क्वेश्चन जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वह पूरी तरह से गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, 1000 घरों के सर्वेक्षण में वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर तथा रेफ्रिजरेटर की गणना की गई। प्रत्येक घर में कम से कम एक उपकरण था। 400 के पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, 344 के पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं था तथा 542 के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, 314 के पास वैक्यूम क्लीनर तथा वॉशिंग मशीन दोनों थे, 287 के पास रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन दोनों थी, 13 के पास वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर तथा रेफ्रिजरेटर तीनों थे, कितने घरों में केवल वैक्यूम क्लीनर था, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको बताना है कि कितने घर ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल वैक्यूम क्लीनर है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1000 घरों की बात की जा रही है। आपको केवल और केवल यह बताना है कि कितने घरों में केवल और केवल वैक्यूम क्लीनर है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। बोला है कि 344 के पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है, यानी कि यदि मैं वैक्यूम क्लीनर की केवल बात करूं तो 1000 में से 344 तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है। और हमको निकालना ही है कि कितने घर ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल वैक्यूम क्लीनर है। तो 344 के पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो 344 को घटा दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6, और 5 में से 4, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, फिर 9 में से 3 जाएगा 6, यानी टोटल आपका 656 घरों पर अब बात होगी। फिर क्वेश्चन को आगे देखते हैं, देखिएगा। बोला है 314 के पास वैक्यूम क्लीनर तथा वॉशिंग मशीन दोनों थे। तो इसमें से 314 ऐसे हैं घर जिसके पास वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर दोनों हैं। फिर 287 के पास रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन दोनों हैं। तो 287 के पास वॉशिंग मशीन तथा रेफ्रिजरेटर दोनों है। फिर बोला है 13 के पास वॉशिंग मशीन तथा वैक्यूम क्लीनर। 13 और घर आ जाते हैं जिनके पास वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर है। तो इनको जोड़ लीजिए कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास दो दो उपकरण है। तो देखिएगा,
7 4 11 3 14 को 4। हासिल बचे एक, एक एक दो, 8 2 10 11 को 1। हासिल बचा आपका 1 3 2 5 1 6, यानी कि 656 घर में 614 घर ऐसे हैं जिनके पास दो दो उपकरण हैं। तो 614 इसमें से आप घटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल वैक्यूम क्लीनर है। तो 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, और 6 में से 6 जाएगा 0। यानी कि टोटल के 42 घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास केवल और केवल वैक्यूम क्लीनर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 151 दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका 68 दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका 101 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, यदि f ऑफ x बराबर 3x+7, उसके बाद से x सब दैट r, तब प्रतिचित्रण f संबंधे r, उसके बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r दिया है, तो बोला है का मान होगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर केवल और केवल देखना है कि 3x+7 कैसा समीकरण होगा। तो आप ये बताइए कि 3x+7 से x के कितने मान निकलेंगे। तो यदि मैं 3x+7 = 0 कर दूं तो x बराबर आपका आएगा -7/3, यानी कि केवल और केवल x का मान एक ही आएगा, यानी कि इसका जो मान होगा एकिक प्रतिचित्रण होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, बोला है f ऑफ x बराबर cos x, x f sin r बराबर r संबंधे r प्रोपोर्शनल टू r, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है होगा। तो चारों ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका है एकिकी और अच्छादक, ऑप्शन नंबर बी न तो एकिकी न ही अच्छादक, ऑप्शन नंबर सी एकिकी परंतु अच्छादक नहीं, और ऑप्शन नंबर डी आपका है अच्छादक परंतु एकिकी नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, न तो एकिकी होगा और न ही अच्छादक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, यदि a बराबर 2 4 6 तथा b बराबर 1 3 5 है तो एक राश b में अवयवों की संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि समुच्चय सिद्धांत के नियम से कैसे हम एक राश b निकालेंगे, और एक राश b निकालना है और बताना है कि एक राश b में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपका समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए को लिख लेते हैं 2 4 है और 6 है, इसका गुणा कराना है समुच्चय बी से, समुच्चय बी आपका है 1 3 और 5। ओके, अब देखिएगा सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसमें पहले नंबर को उठाएंगे, 2 आपका है, 2 का गुणा 1 में, फिर 2 का ही गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा 5 में, गुणा नहीं कराते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 को उठाएंगे, तीनों नंबर में गुणा कर देंगे। तो गुणा ऐसे करना है 2 1, फिर 2 का ही गुणा 3 में करेंगे तो 2 3, फिर 2 का ही गुणा किस में करना है, 2 का गुणा करना है फिर 5 में, यानी कि एक नंबर को उठाना है तीनों के साथ लगा देना है। तो 2 के साथ 1 लगाया, 2 के साथ 3 लगाया, 2 के साथ 5 लगाया। अब दूसरे नंबर को भी उठाना है, तीनों के साथ लगा देना है, तो दूसरा नंबर आपका है 4 के साथ 1 आएगा, फिर 4 के साथ आपका 3 आएगा, फिर 4 के साथ ही आपका 5 आएगा, यानी कि मैंने 4 को उठाया तीनों नंबर के साथ लगा दिया। अब 6 को उठाना है तीनों नंबर के साथ लगाना है, तो 6 1, उसके बाद से 6 3, फिर उसके बाद से 6 5, यहां तक आपको क्लियर है, करना कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों। पहले नंबर को उठाइए, तीनों के साथ लिख दीजिए, तो पहले नंबर को मैंने उठाया 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, फिर दूसरे नंबर को उठाइए, तीनों के साथ लिख दीजिए, 4 के साथ 1,
चार के साथ तीन, चार के साथ पांच, फिर तीसरे नंबर को उठाइए, तीनों के साथ लिख दीजिए, छह के साथ एक, छह के साथ तीन, छह के साथ पांच। अब बताना है कि एक राशि बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो आपका एक अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यानी जो टोटल अवयव आएंगे वो आपका नौ आएगा। आप भी काउंट कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, यानी टोटल अवयव आपके नौ हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको एक सेकंड में कैसे लगाएंगे। तो एक सेकंड में लगाने के लिए करना क्या है, इसमें कितने अवयव हैं, एक, दो, तीन, तो तीन हो गया, इसमें कितने अवयव हैं, तीन। आपको एक राशि भी निकालना है तो तीन का गुणा तीन में कर दीजिए, नौ। तो यह मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया कि ट्रिक से आप एक सेकंड के अंदर कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले ए का मैंने देखा कितने अवयव है, तीन, फिर बी का देखा तो तीन अवयव है, फिर एक राशि बी निकालना है तो तीन का गुणा तीन में कर दिया, नौ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, यदि ए बराबर एक, दो, तीन, बी बराबर तीन, चार, पांच, छह, सी बराबर चार और पांच, तब ए इंटरसेक्शन बी गुणे बी यूनियन सी है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो देखिएगा ध्यान से। आपको समुच्चय ए का मान एक, दो, तीन दे रखा है, समुच्चय बी का मान तीन, चार, पांच है, समुच्चय सी का मान चार और पांच। आपको ए इंटरसेक्शन बी गुणे बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि जो समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों समुच्चय में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो आप देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में कॉमन वाला क्या है, तो दोनों में आप देखेंगे तो कॉमन केवल और केवल तीन मिलेगा, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा तीन, क्योंकि तीन ही ऐसी संख्या है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन है। यहां तक आपको क्लियर है। अब निकाल लेते हैं बी यूनियन सी का मान। तो बी यूनियन सी क्या होता है, बी यूनियन सी वह होता है जिसमें दोनों समुच्चय के संख्याओं को आपस में इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। पर ध्यान में यही रखना है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा पांच और छह। अब देख लीजिए मैंने सारे संख्याओं को ले लिया, तीन, चार, पांच है, तो यहाँ पर चार पांच, तो किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है और सारे नंबर को आपस में इकट्ठा करके लिख देना है, तो मैंने लिख दिया। अब देखिएगा आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी गुणे बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी का मान आपका है तीन गुणे आपका बी यूनियन सी का मान है तीन, चार, पांच है, तो यहां पर लिख लेते हैं तीन, चार, पांच और छह। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 41 में किया सेम टू सेम इसमें भी करना है, यानी तीन का सबके साथ जोड़ा लगा देना है। तो तीन के साथ पहले तीन, फिर चार, पांच, छह, यानी ऐसे लिख लेना है तीन कामा तीन, फिर लिख लेना है तीन कामा चार, फिर लिख लेना है तीन कामा पांच, फिर लिख लेना है तीन कामा छह, यानी तीन को सारे नंबर के साथ लगा देना है। तो यहां से आपका ए इंटरसेक्शन बी और गुणे बी यूनियन सी का मान यही आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, किसी परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुए, गणित में 85% पास होते हैं और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास होते हैं। यदि 45 परीक्षार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल होते हैं, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, यहां पर 45 परीक्षार्थी की बात की गई है, यह परसेंटेज में नहीं दिया है। आपको बताना है कि कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, यानी यन आप ई का मान 80% है, 85% परीक्षार्थी गणित में पास होते हैं, यानी यन आप मैथमेटिक्स का मान 85% है,
और 75% परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी एन आप ई इंटरसेक्शन एम का मान 75 है। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि टोटल कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं। तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, एन ई यूनियन एम बराबर आपका होता है एन आप एम प्लस का एन ऑफ ई माइनस का एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, यह आपका फार्मूला होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर एन ऑफ एम का मान आपको दे रखा है 85, एन ऑफ ई का मान आपको दे रखा है 80 और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम का मान आपका है 75। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 85 और 80 आपका हो जाता है 165। 165 में से आपको 75 घटाना है, यानी कि 90%, यानी कि टोटल 90% परीक्षार्थी जो है वह आपके पास हो जाते हैं एन आप ई यूनियन एम, यानी कि टोटल के 90% परीक्षार्थी आपके पास हो जाते हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो देखिएगा 100% में से 90% परीक्षार्थी पास हो जाते हैं, यानी कि फेल होने वाले कितने हैं, केवल और केवल 10% फेल होते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? देखिएगा 90% आपके पास हो जाते हैं, यानी कि फेल होने वाले केवल और केवल 10% है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि 45 परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, यानी कि जो 10% आपका फेल आ रहा है, इसी 10% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 45। यह आपको समझना है, बोला है 45 परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो आपने देखा परसेंटेज में 10%, या 10% का मान 45 दे रखा है, तो आप निकालेंगे 1% का मान, 1% का मान आपका आएगा 45/10। आपको निकालना है कि कुल विद्यार्थी कितने थे, तो कुल विद्यार्थी मैंने माना है 100%, तो दोनों तरफ आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100% बराबर आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 45 का गुणा 10 में करेंगे तो 450, यानी कि जो टोटल विद्यार्थी थे वो आपका 450 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 21 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो सभी लोग जरूर आइएगा। यह चैप्टर बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।